नमस्कार, सिटी ऑफ लाल में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरीश यादव। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सीपरी से, जहां पर राजा नल की ऐतिहासिक नगरी नरवर में जिला पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिषद सीपरी श्री लोड़ी माता ट्रस्ट कमेटी नरवर एवं नगर परिषद नरवर के संयुक्त तत्वावधान में हेरिटेज वॉक का आयोजन किया गया। ऐतिहासिक नगरी की यात्रा का शुभारंभ प्रातः 7 बजे पोलो ग्राउंड पर कलेक्टर श्री अच्युत कुमार सिंह द्वारा खुद बस में सवार होकर किया गया। वहाँ पे उनको कैद करके रखा हुआ था, उस समय बाद जो उदल का अखाड़ा था है ना, फिर यहाँ पे उनको मल्लयुद्ध के लिए बोला गया था, तो एक मल्लयुद्ध किया था जिसमें वो जीत गए थे, फिर उनका विवाह। और बस यात्रियों को मध्यप्रदेश राज्य सहकारी पर्यटन संघ के अध्यक्ष कुंवर अरविंद तोमर द्वारा हरी झंडी दिखाई गई। यात्रियों के साथ बस में सवार कलेक्टर अच्युत कुमार सिंह द्वारा चर्चा कर उनसे अपने अनुभव साझा करते हुए उन्हें ऐतिहासिक नगरी नरवर दुर्ग और लोड़ी माता मंदिर सहित मणिकिला डैम के सामूहिक भ्रमण वॉक पर जाने की बधाई दी और शीघ्र सीपरी जिले के विभिन्न पर्यटन स्थलों के भ्रमण की योजना जिले के गणमान्य व्यक्तियों समूह और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पत्रकार और जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया। उक्त कार्यक्रम में सीपरी जिला प्रशासन के अधिकारी आईटीबीपी कैरा के जवान और स्कूली बच्चे तथा टीचर शामिल हुए। नरवर किले का भ्रमण करते हुए किले की स्तब्ध कला का विशाल चौरसिया और ऐतिहासिक तत्वों का पवन सिंह बैस एवं दिनेश वरिष्ठ ने विस्तार पूर्वक वर्णन हेरिटेज वॉक के सहयोगियों का समझ किया, जिसे सभी ने बड़े रोमांच के साथ सुना और उत्सुकता के साथ किले का भ्रमण किया। नरवर दुर्ग के महत्वपूर्ण स्थल घूमने के बाद किले पर स्थित प्रसिद्ध श्री प्रसन्न देवी माता मंदिर पर सभी ने भोजन किया। कार्यक्रम का समापन श्री 14 महादेव मंदिर पर हुआ, जिसमें पुलिस अधीक्षक श्री राजेश सिंह चंदर उपस्थित रहे और स्कूली छात्र छात्राओं से रूबरू हुए तथा हेरिटेज वॉक में शामिल हुए आगंतुकों से नरवर भ्रमण पर उनके अनुभवों को साझा कर उनका उत्साहवर्धन किया। ऐसी ही ताजा तरीके की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर खबर से आप।